हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, कुछ कैंडिडेट ने कमेंट किया था, सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे एग्जाम में। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास 8 टॉपिक है टोटल। एक आठवां है जीके का। जीके के अंदर आपको प्रेजेंट करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक सी। आप कैबिनेट में कौन है, मंत्री, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए उसमें, जीके में। तो और जो 60 टॉपिक बच गए, तो 60 टॉपिक जैसे ऑपरेशन ऑफ डीजल और पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक डीजल और पेट्रोल इंजन, तो इसमें आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक क्या पढ़ना है, आपको सभी कंपोनेंट के नाम याद होने चाहिए, कौन सी किस कंपोनेंट की क्या वर्किंग है, और साथ में ही आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अपने को हाई डीप लेवल पे नहीं जाना, उसकी मतलब नहीं है कोई क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसे कुछ नहीं। 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और उसमें से 42 क्वेश्चन आते हैं, 42 क्वेश्चन टेक्निकल कहेंगे, 8 क्वेश्चन जीके कहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। डायग्राम देखो, साइड में दिया गया है, डायग्राम के अंदर लिखा भी हुआ है, 1 2 3 4, 4 पिस्टन है इसके अंदर। तो ये किस टाइप का डायग्राम है। और आपने अगर प्रीवियस मेरी वीडियो देखी है लेक्चर की, तो उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में कि टाइप्स ऑफ इंजन किस टाइप, कितने टाइप का होता है, और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन कौन सा होता है, और सबसे ज़्यादा कैम साफ सबसे लंबी किसकी होती है। तो पहला है कि ऑप्शन इनलाइन इंजन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी इंजन। तीसरा ऑप्शन है अपोजिट इंजन। और चौथा ऑप्शन है रेडियल इंजन। तो किस टाइप का लगता है आपको ये? वी इंजन, तो उनके दो पिस्टन के बीच में 60 डिग्री कोण होता है वी इंजन में, और अपोजिट इंजन होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। और रेडियल तो आपको पता है 90 डिग्री पर, चार चार टाइप के होंगे। और ये बच गया इनलाइन इंजन, तो इनलाइन इंजन हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए, अब कुछ ने कहा कि सर कट ऑफ कितनी चाहिए। कट ऑफ तो देखो इस बार बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसे अभी स्टैटिक, अभी ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो रिजल्ट आया ना, उसकी उम्मीद नहीं थी कि 85 इतने नंबर जाएगी कट ऑफ। तो यही है कि साथ में बने रहो, कि हम मैंने भी एग्जाम फॉर्म डाला है, तो मैं भी जाऊंगा वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, तो साथ में चलेंगे। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो भी नोटिफिकेशन आएगी इसके रिलेटेड, PRO अपने व्हीकल मैकेनिक, इसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है, तो तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। और ज्वाइन कैसे करनी है आपको, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वो ओपन होगा टेलीग्राम ऐप पे, और वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लिए। और ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे अरियंत की आपको PDF मिलेगी, जिसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है ना, जैसे मतलब ऑपरेशन ऑफ डीजल और पेट्रोल इंजन, इसके 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक चार्ज भी नहीं लेगा। और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी पेड कोर्स के लिए पेमेंट करें आप, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, बुक्स मिलेगी, सब कुछ तरह का मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी क्या है कि अपने सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, इस वजह से पोल का ऑप्शन अभी ऑफ है। जैसे ही पोल का ऑप्शन ऑन होगा, तो देखिए गर्दा उड़ा देंगे अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। इस स्ट्रोक का नाम देखो, डायग्राम दिया गया है साइड के अंदर, तो इस स्ट्रोक का नाम हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्ट्रोक है सर, सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है, या एग्जॉस्ट है। तो हमारी पहचान होगी वॉल्व से। अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्लास देखी है, उसके अंदर मैंने बताया भी है कि जब किस टाइम पे दोनों वॉल्व, देखो दोनों वॉल्व यहाँ पे क्लोज पोजिशन में है। क्लोज का मतलब है कि ये अभी BDC पे है, BDC पे एयर और फ्यूल इंजेक्ट हो मतलब इसके अंदर मिक्सचर आ चुका है, और ये BDC की ओर, देखो डायग्राम के अंदर देखो तीर का निशान ऊपर डिनोट कर रहा है, तो मतलब ऊपर जाएगा ही, अभी गया नहीं है, जाएगा तो कंप्रेशन की पोजीशन में आ गया है, कंप्रेशन स्ट्रोक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क एज द, ये कौन सा डायग्राम, ये इंजन कौन सा है, टू स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन होगा तो उसके ऊपर स्पार्क प्लग होगा, और अगर डीजल इंजन होगा तो उसमें नोजल होगी, फ्यूल इंजेक्टर होगा उसमें, ठीक है। और इसके अंदर देखो नीचे वाला पोर्ट होता है और ऊपर वाला पोर्ट है, इसमें वॉल्व नहीं होते, पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यही पहचान होती है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन की। और इसके अंदर देखो नीचे वाला जो पोर्ट होता है ना, उसको तो आपको बताया हुआ है पहले से। देखो ट्रांसफर पोर्ट तो इसमें इमेज में दिख रहा है हमको, तो ट्रांसफर पोर्ट तो हो ही नहीं सकता। और इंजेक्शन पोर्ट, वो तो इंजेक्शन पोर्ट तो सिलेंडर के हेड में है फ्यूल इंजेक्ट करने वाला। और एग्जॉस्ट पोर्ट तो ऊपर वाला डायरेक्शन देख लो ना, बर्न गैसों का डायरेक्शन में दिया गया है इसके अंदर। दो एग्जॉस्ट पोर्ट, ऊपर वाला एग्जॉस्ट पोर्ट होता है और नीचे वाला इनलेट पोर्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन कौन सा होता है? कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन होता है डीजल इंजन, ठीक है। ऑटो साइकिल किस पे होता है? पेट्रोल इंजन होता है ऑटो साइकिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए डायग्राम देखिए साइड के अंदर, इसका नाम बताना है, एक्स जो एक्स लिखा हुआ है ना वो नाम क्या है, ये पिन है, रोड है, क्या है ये? तो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि पिस्टन है, पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट होती है, नीचे क्रैंक शाफ्ट, कनेक्ट क्रैंक पिन भी लगी होती है, और पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? गजन पिन की सहायता से। तो आपको बताया गया है पहले भी, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी तो क्लास जाके देखिए, अच्छी तरह समझाया गया आपको उसके अंदर। फिर आता है हमारे पास, देखो ये कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के लास्ट का सिरा, अभी प्रीवियस क्लास में क्लच के बारे में डिस्कस किया था, क्लच के अंदर क्या, क्लच क्या होता है? तो क्लच क्या होता है, उसके अंदर फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, फ्लाई व्हील होती है वो क्लच के साथ जुड़ी होती है आगे। तो इसका सही आंसर है हमारे पास फ्लाई व्हील, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट इज कनेक्टेड द पिस्टन विद क्रैंक पिन। इस क्वेश्चन में देखो ज्यादातर है ना कंफ्यूज होगी बंदे, सर पिस्टन के साथ क्रैंक पिन को कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कनेक्टिंग रोड, क्योंकि कनेक्टिंग रोड के ऊपरी सिरे जहाँ पे पतला सिरा होता है उसमें तो कहाँ क्या होता है, उसमें होता है गजन पिन, ठीक है, और जो मोटा सिरा होता है नीचे की तरफ क्रैंक कैम शाफ्ट के अंदर, तो वहां पे क्रैंक पिन लगी थी, क्रैंक पिन को पिस्टन के साथ कौन जोड़ता है? कनेक्टिंग रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एस एस के नाम से नोट किया गया है। तो ये देखो अल्टरनेटर पुली तो हो ही नहीं सकती, वो तो ड्रिवन खुद होती है, और ड्राइविंग कौन करता है? क्रैंक शाफ्ट पुली, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डायनेमो पुली ये नहीं होगी, वाटर पंप पुली भी नहीं होगी, तो ये मेन, ये पुली मेन है, तो इसका सही आंसर होगा क्रैंक शाफ्ट पुली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एस, ठीक है, प्रीवियस क्लास में वो डिस्कस किया था कि ये कैम होती है, कैम जो रोटेट करती है उसके ऊपर कैम लोब होते हैं, कैम लोब क्या करते हैं, ये वॉल्व लिफ्टर होते हैं ना, उनको ऊपर की ओर उठाते हैं, वॉल्व लिफ्टर को ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कैम लोब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो ऊपर देखो सबसे ऊपर क्या है कि सिलेंडर का हेड होगा, वो तो सबसे ऊपर वाला, एक्स से ऊपर वाला सिलेंडर का हेड है, ठीक है, और ये क्या है जो एक्स से डिनोट किया गया है ना, उसके नीचे क्या है, वॉल्व है, तो हमारा इंजन ब्लॉक नहीं होगा, ऑयल पैन तो नीचे वाला होता है, सम्प जिसे ऑयल सम्प होता है, ऑयल इकट्ठा नीचे वाले पार्ट में ऑयल इकट्ठा होता है, ठीक है, और ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए, वॉल्व डोर कवर, वॉल्व डोर कवर हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। तो आपको पता क्या है, आपको सिलेक्शन लेना है तो सीधी सी बात है, कंटिन्यू बस बेसिक थ्योरी पढ़िए, बेसिक थ्योरी पढ़िए, क्लास को अटेंड कीजिए, और क्या करना है, क्लास को अटेंड करना है, अरियंत की वो बुक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, और नीमी पैटर्न की जो बुक आती है, मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल की ट्रेड है ये, ट्रेड के अंदर फिफ्थ लेवल का आती है ये बुक आती है, तो वो परचेज कर लीजिए, आपको सबसे बेस्ट हिंदी वर्जन है, हिंदी के अंदर, या इंग्लिश में आप पढ़ना है हिंदी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में तो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है लेकिन हिंदी की अभी मिल नहीं रही, तो हिंदी की जैसी मिलती है मैं उस पर सेंड करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर कर दूँगा, जितने भी और जितने भी रिलेटेड ट्रेड है, जैसे मतलब वेल्डर की पोस्ट होगी और वेटर की पोस्ट होगी, उनके लिए भी हम कुछ बुक्स अरेंज करेंगे, अगर कहीं मिलती है तो अरेंज करेंगे, नहीं तो फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे कहीं से अरेंज करके, ठीक है। तो साथ में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अपनी वीडियो सभी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो आधी जनता ऐसी है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, उसको उनसे यही अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से पोल ओपन हुआ हमारा उसके अंदर भी क्वेश्चन डालेंगे पोल के अंदर, जैसे वीडियो देखते देखते आप देखोगे कि कोई डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन शो हो रहा है आपको, वहाँ पे पोल दे सकते हो आप, तो आपकी बेसिक नॉलेज भी कवर होती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। धन्यवाद।